पहले हमें अपने बारे में बताएं, उसके बाद कुछ चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है, नमस्कार। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। बताइए जी डॉक्टर साहब, आप क्या काम करते हैं या क्या करते थे? या मैं डॉक्टर साहब हरियाणा गवर्नमेंट में हरियाणा टूरिज्म से एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। वेरी गुड। और तो सेवा भाव तो आप में वैसा ही भरा है। हाँ, मेरी एक प्रोटोकॉल की लाइन है और एक काफी लगभग 35 साल सेवा दी लाइन आपने। से मैं संबंधित रहा हूँ और ये सेवा भाव करते करते मैं एक बहुत अच्छे मतलब डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जहाँ पे हाई जेंट्री के लोग आते हाँ, थे। बड़े हाँ, अधिकारी कहो, राजनेता कहो, हर तरह की सुविधा थी और एक कंफर्ट जोन था। और मुझे काफ़ी लगभग मैं जब 25 साल की उम्र में नौकरी में आ गया था और 10 साल सर्विस करते करते मैं जो सारी सुविधाओं का अभ्यस्त हो गए थे, फील कर लिया था। एक मुझे जब मैं 36 में शुरुआत हुआ, मैंने एक आभास हुआ कि मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छी सोसाइटी है, अच्छी पोस्ट है, तो सब कुछ है, हर चीज़ मेरे पास पूरी थी, लेकिन किसी चीज़ का मुझे बार खालीपन, बार अंदर खालीपन, से अभाव महसूस होता था, खालीपन महसूस होता था। और मैं एक अपने आकाश की तरफ दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा गुरु मिलाए जो मेरी इस खालीपन को, इस अभाव को पूरा करे, चाहे उस जीवन में तो है। क्या आप किसी और संस्था में भी जाते थे, लाइक हाँ, ब्रह्म मैं कुमारी या पहले गुरु नानक? और दूसरे उन कई जगह गया, लेकिन मैं एक बच्चा था उस टाइम, मुझे पूरा ज्ञान नहीं 36 साल था। के बच्चे होते हैं? नहीं, उससे पहले लगभग 25 से और तो मतलब यंग 30 एज में तक, कहो, यंग एज में कहो। हाँ 5-1 साल, लेकिन वहाँ मुझे भ्रमित हाँ, आपको संतोष नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं नहीं था। लगा बहुत कि पैसा ये लगाया, जो घूमा आपको फिरा चाहिए। काफी लोगों के साथ तो रहा। ओशोधारा से आप कब जुड़े? ओशोधारा के साथ मैं 2000 में, क्या कौन सा ऐसा वाक्य था, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको यहाँ लेकर आई? हाँ मैं वो बताता हूँ आपको। मैं लगभग 1997-98-99 से ओशो के लगातार 3-3 दिन के ध्यान, कभी अटेंड झज्जर, किया हाँ आपने? कभी रोहतक, कभी दिल्ली आते थे, करता रहा। मैंने ये सोचा कि ये जो ध्यान लगातार मैंने 2-3 साल से करे, ये ओशो इतना ही नहीं है, ओशो एक विराट, जानने की इच्छा पैदा हाँ हुई। ओशो केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, क्योंकि वहाँ लगातार एक जैसे ही ध्यान कराए जाते थे, 7-8 ध्यानों तक हाँ, सीमित विधि है। अलग अलग हो सकती है, हाँ लेकिन अर्थ तो वही था, हाँ मेडिटेशन तक यस पहुंचना है। यस तो मैंने देखा कि ओशो लगभग 650 बुक्स में उन्होंने अपने काफी लिखा है। लिखा है, स्पीच दिए हैं, और ये केवल बहुत थोड़ा हा बता रहे, आधा परसेंट, बहुत कुछ विराट है। साहित्य तो बहुत भरा पड़ा है, आप हाँ कहीं देखिए उनकी। तो ये बार बार मेरी जिज्ञासा ऐसी रही, कहीं और है, यहाँ कुछ अधूरापन है। तो आप हमें दो तीन उपलब्धि गिना सकते हैं जिनको आप, हम जैसे युवा से बात करते हैं तो वो मेडिटेशन एक ऐसी समस्या है। मुझे तो कई बार ये भी लगता है मेडिटेशन आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और विशेष तौर पर हम जैसों को तो छोड़ो, आप जो यंग एज है, जो गृहस्थी में अभी अभी एंटर हुए हैं, काम का इतना दबाव है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नौकरी है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है उसके लिए डॉक्टर साहब। ऐसा है कि आज के बच्चे हों, समाज हो, परिवार है, इतना अवसाद से भर जाता है अपने कर्म से, संबंधियों से, परिस्थितियों से, और वो इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसको और कोई रास्ता नहीं दिखाता, या तो वो लड़ता झगड़ता है या अपना गुस्सा कहीं जाहिर करता है। आप ओशो से जब जुड़े तो कितने दिन बाद आपको लगा कि मैं सही जगह आ गया और मेरा ध्यान लगता है, और यस दिस इज द मेडिटेशन जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था? हाँ, मैं 2 या 3 साल लगातार जो ओशो के 3-3 दिन के ध्यान करता था, उसके उपरांत जैसे ही बाबा सिद्धार्थ, उस टाइम ओशो सिद्धार्थ जी का नाम होता था, जैसे ही उन्होंने 9 दिन का पहले तल का ध्यान, प्रथम तल का 9 दिन का ध्यान, जो शुरुआत में, हाँ हाँ जब 9 दिन का मैं और मेरी पत्नी ने साथ किया था, यहाँ पास में बगान गांव है, और जब 9वें दिन हम इतना हल्कापन, इतना मतलब एक आत्मीयता, एक प्रसन्नता, एक आनंद, शायद जीवन में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को क्योंकि आप उसी दौर में जुड़े हैं, मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा, जब भी वो 25 साल से लेके 30 साल तक अपने पैरों पर खड़े होते हैं या नहीं भी होते हैं, तुरंत उनको
ध्यान की तरफ अग्रसित होना चाहिए, मेडिटेशन की तरफ आना चाहिए, या किसी सतगुरु को कहीं ना कहीं उसके सानिध्य माना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास में अध्यात्म का भी एक रोल है, बहुत बड़ा रोल, और वो जितना अर्ली स्टेज में आप करोगे, अब जैसे हम लोग हैं रिटायरमेंट के बाद अगर अध्यात्म में आते हैं तो को बहुत कुछ मिलेगा, अदरवाइज वो संसार में ऐसे फंस जाएंगे और लास्ट में समय कब बीत जाता कुछ नहीं पता। समय तो अपनी समय रहते जितना जल्दी कोई भी इस ओर अग्रसर हो जाता है, उसका वास्तव में जो एक फीलिंग है उसकी, एक उसका जो विकास है, आत्मिक विकास है, वो अपना भी करता है, समाज का भी करेगा, परिवार का भी। इस तरह से बढ़ेंगे, जैसे आप कह रहे हो सपत्नीक गए थे तो परिवार में भी वो फर्क पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि मेडिटेशन जो है वो कितना आसान या कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा इसकी जिज्ञासा बन जाए, इसकी तरफ तत्परता हो जाए, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर दिया जाए, थोड़ा सा संसार से विमुक्त होके। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन ओशो की कई सारी किताबें और ख़ासतौर पर छोटी छोटी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें बहुत बढ़िया मैसेज होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ओशो ने जो आत्मा का दर्शन कराया या आत्मा के बारे में जो उनके विचार हैं, क्या वो एक आम आदमी के समझ में आते हैं? नहीं, एक तो ये होता है ना, संत लोग तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर एक हमारा ओशो दारा का एक मूर्थल आश्रम है तो वहाँ पे हम धीरे धीरे 3 दिन के और 6 दिन के प्रोग्राम होते हैं, वन डे भी होता है। अगर हम कहीं भी किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, आचार्य से जुड़ जाते हैं, तो वो ध्यान की तरफ सरलता से ले जाते हैं और वहाँ आराम से समझा जाता है, लगभग 1 साल के अंदर वो निपुण हो जाता है। एक धारणा हमारे समाज में है, जहाँ भी ओशो का नाम आता है, सेक्स गुरु के नाम से उनको डिफेम कर रखा है, या संभोग से समाधि, और मतलब जो गलत गलत बातें थी जो शायद थी भी नहीं, और बिना उस किताब को पढ़े और बिना कुछ जाने हमने वो भ्रम फैला दिए हैं। अब ओशो के जाने के बाद मुझे लगता है प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। जब वो यहाँ थे तब लोगों ने उनको विरोध स्वरूप, काफ़ी सारे देशों ने तो उनके हवाई जहाज को उतरने से मना कर दिया था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा और सुना है। आज के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? पहले उसे पढ़ें, कुछ इस तरह का ना भी पढ़ें तो वो एक भ्रमित विचार फैलाया गया था जो आमतौर पर समाज में सबके लिए होता है। मनुष्य के शरीर में एनर्जी एक ही होती है और उसे की देशना थी कि लोग उस एनर्जी से मतलब उसके साथ अपना वो बिठाए, तादात में बिठाए, कि वही एनर्जी संसार में जाती है, वही एनर्जी परमात्मा के अंदर जाती है। उनकी सिर्फ इतनी ही देशना थी, लेकिन इसके बारे में जिन लोगों ने सुनी सुनाई बातें, एक दूसरे के आगे इसका प्रचार किया, आम हमारे समाज में, लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरह से ओशो के विचारों को एक अभिव्यक्ति दी जा रही है, अब इस पर कोई विश्वास नहीं। थोड़ा फर्क भी है स्वामी जी, पहले क्या था, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, आज हमारे पास सोशल मीडिया इतना अच्छी तरह से है, अगर आप किसी चीज का डिटेल में पढ़ना चाहें या सुनना चाहें तो सब कुछ, सारा साहित्य उपलब्ध है, आजकल अवेलेबल, सुने और देखे। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओशो का जो जीवन दर्शन था, ओशो का जितना साहित्य है और जितनी सारी उनकी विधियां हैं, मैं देख रहा था 129-136 कुछ ऐसी विधियां ध्यान लगाने की है। जी जी बिल्कुल है। तो क्या कभी अभी कुछ ऐसा बचा है जो आप सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये जो लगभग 120 से ज़्यादा विधियां दी हैं, ये हर आदमी के उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग कौन सी कहाँ पे फिट होती है। एम तो वही है, एम वही है, जाना वही है, ध्यान तक जाना है, समाधि तक जाना है, योग तक जाना है, लेकिन वो जो विधियाँ दी हैं ओशो ने, वो एक तैयारियाँ हैं। अब वो उसके शरीर के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, मन के लेवल पर कौन सी विधि किस व्यक्ति को कैसे फिट होती है, इसलिए इतनी ढेर सारी देनी पड़ी। तो ओशो की जो देशना यही थी, कोई भी विधि किसी भी पर्सन को उसको शूट कर सकते, शायद सरल भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं, भाई आपके जो खिड़की है समझ की, पता नहीं किस खटखट से खुलती है, जैसे सिलेबस होता है, भाई आप साइंस लो, कॉमर्स लो। हमारे समाज में जो मैं समझता हूँ वो ये कि ज्यादातर लोग अपनी खिड़की को बंद रखते हैं और एक सुनी सुनाई बात को सुनकर और उस दरवाजे का यानी वो मौका वो खो देते हैं, भले वो ओशो हो या कोई दूसरी इस तरह की वो हो। और इंसान के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में आध्यात्म का भी उतना ही रोल है, और ये बड़ा अजीब सा हमारे यहाँ
सुनने को मिलता है कि जब रिटायर हो जाएंगे तब ये करेंगे, रिटायर हो जाएंगे तब वो करेंगे, जबकि मुझे लगता है वो समय निकल चुका होता है। अर्ली एज में हमें स्टार्ट करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना। स्वामी जी, आपसे बात करके और आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आशा है आप इस तरह का ये कर्म जारी रखेंगे और समाज को भी इस बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ जो ओशो के अनुयायी हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वो समाज को बताएं ओशो क्या है, इसको आगे तक फैलाएं।